टूना फिश से हम किस तरह से बेहतरीन सा सैंडविच बनाएंगे, इसके लिए मेरे पास ये बोल मौजूद है। अच्छा एक सेकंड, मैं इसको जरा सा, ये बहुत अच्छा रेडी किया आपने, फ्रेश ट्रीट की है सॉसेस डिप्स के साथ, जहां आपने टोमेटो केचप लिया। हाँ, और इनका क्लासिक स्पाइसी, यस हॉट एंड स्पाइसी टोमेटो केचप, और आप क्लासिक मेयोनीज, क्लासिक मेयोनीज जो कि फ्रेश ट्रीट, स्पून दीजिएगा। हाँ के साथ। अच्छा इसके लिए अब हम बनाने जा रहे हैं सॉस। सॉस के इंग्रेडिएंट क्या हैं ये आपको हम पहले बता देते हैं। इसमें हम डालेंगे, ये मेरे पास मौजूद है क्रश किया हुआ लहसुन, ठीक है ना, 1 टीस्पून के करीब जाएगा। अच्छा थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, यानी तकरीबन 1/2 टीस्पून। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे फ्रेश स्ट्रीट का मेरे पास मौजूद है मस्टर्ड पेस्ट, ये जाएगा इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून। ये चला गया, अब जाएगा इसके अंदर क्लासिक मेयोनीज, ये देखिए जी, ये मैं डालूंगी 1/2 कप। ये चला गया। अच्छा ये डालूंगी, और देखिए चीज़ें चूँकि जब सामने रखी हूँ तो आपको बनाने में भी मज़ा आता है। अच्छा एक ये मेरे पास रखा हुआ है चिपोटले माया, तो ये भी मैं इसमें डालूंगी, तो आप देखिएगा टेस्ट इसका बहुत अच्छा हो जाएगा। ये भी फ्रेश स्ट्रीट का हमारे पास मौजूद है, अब सील्ड है, आई थिंक सील्ड है। हाँ चिपोटले मायो, ये सील्ड है, इसको खोल लेते हैं। अच्छा देखें बेस्ट है हम सील्ड आता आपके पास, ताकि इनका जो टेस्ट फ्लेवर है वो सही रहे, प्रॉपर रहे, और इसके बाद फ्रेशनेस बिल्कुल बरकरार। वंस आप ओपन कर लें उसके बाद आप फ्रिज में रखें और इसे आप यूज़ कर सकते हैं बार बार। मज़ेदार सा चिपोटले मायो जो कि है फ्रेश स्ट्रीट का। क्या बात है, क्यों नहीं निकलना भाई, अब निकलें, अब ये आ गए फाइनली। हाँ क्योंकि अभी फ्रेश है ना बिल्कुल। हाँ। ये तकरीबन डालूंगी मैं इसमें 1 टेबल स्पून, ठीक है जी, ये डाल दिया, और अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी, ठीक है, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लें। तो ये हमारा बेहतरीन सा सॉस जो हम सैंडविचेस बनाएंगे उसके ऊपर लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है, ठीक है जी, इसको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। ओके चल, अच्छा इसको बना के आप आराम से इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। अभी थोड़ा सा इसमें और डालिएगा, क्या चाहिए आपको, ये वाला चिपोटले, चिपोटले मैं जब तक अपना आपा को चाहिए और मज़ीद, तो इसमें पॉर करते हैं, ये आप देख सकते हैं, अगर अच्छा ज़्यादा चाहिए तो आपके पास ऑप्शन भी है, ज़्यादा भी ऐसे डाल सकते हैं। चिपोटले जो है वो थोड़ा सा स्पाइसी होता है, तो इसलिए आप देख के डालिएगा। और कितना चाहिए, इतना काफ़ी है, ये और डालिए, थोड़ा सा और डालिए, और मज़ीद थोड़ा सा, इतना ही, और जबरदस्त, ज़्यादा डालना है फ्रेश स्ट्रीट का, ये ज़बरदस्त आपको, आपके पास ऑप्शन होता है, आपने थोड़ा डालना है तो उसका क्या आप ओपन करें, जस्ट अगर आपको ज़्यादा डालना है तो फुल ओपन करके आप आराम से, टाइम है तो आप डालते रहें, इंजॉय करते रहें, नहीं है तो फिर आप आराम से कर सकते हैं। ये ऐसी बॉटल्स हैं, आप इसे डायरेक्टली अपनी टेबल पे भी ले जा सकते हैं, जैसे केचप की है, क्लासिक मेयो, इनका बेहतरीन है फ्रेश स्ट्रीट का, ये मैंने ट्राई किया था और इन्हीं की फ्रेंच फ्राइज के साथ मज़ा आ रहा था, और इनकी एक स्वीट चिली है जो कि बहुत ज़बरदस्ती सॉस है। मैं कह रही हूँ कि ये तमाम आपकी जितनी फ्राइड चीज़ें हैं उनके साथ आप इसे सर्व करें तो ये डिप्स एंड ये सॉसेज जो हैं कमाल कर देंगी आपकी हर एक रेसिपी में, जान डाल देंगी एक्चुअल मज़े का फ्लेवर और रिचनेस, क्रीमी, जबरदस्ती है फ्रेश स्ट्रीट। अब आप देखें कहीं से ये नहीं लग रहा कि देखें, ये देखें आपने कितने सॉसेस को मिला लिया, तो ये बहुत ही शानदार सा बेहतरीन सा बन गया, बेहतरीन सी इसकी सॉस वाली कंसिस्टेंसी है। इसको मैं थोड़ा सा और में अभी मिक्स करती रहेंगी, हाँ, ताकि इसके छोटे छोटे लम्स है ना वो रिमूव हो जाए। अच्छा जी अब आ जाते हैं यहाँ पर टूना सैंडविचेस के ऊपर, इसके क्या इंग्रीडियंट है ये आपको बता दें। इसको हम बनाएंगे, ये मेरे पास लंबे वाले बंस मौजूद हैं, क्रोसों जो आते हैं आप उसके अंदर भी इसको बना सकते हैं, ठीक है, मैंने ये ले लिए। अभी इस पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फौजी बनस्पति लेंगे और इसको सेक लेंगे, ठीक है, ये काम मैं ब्रेक टाइम में कर लूँगी। अब मेरे पास टूना फिश के मेरे पास यहाँ पे कैन मौजूद है। अच्छा ये है सिबलू के, सिबलू के बेस्ट टूना फिश कैन आपको मिल रहा है। अच्छा वैरायटी ऑफ ये टूना आपको दिया है, ये लाइट वेजिटेबल ऑयल में आई थिंक हम यूज कर रहे हैं, आपको एक चिली ऑयल में भी मिलेगा, एक ऑलिव ऑयल में भी मिलता है, वाटर में भी मिलता है, तो जो आपको चाहिए जस्ट डायरेक्टली आपने ये कैन ओपन करना है, सिबलू का जबरदस्त सा टूना फिश जिसमें आपको एक्चुअल मजे का फ्लेवर मिलेगा, एंड फिशेस में बेस्ट होती है ट्यूना, आपको मालूम है, हाँ, सैलेड में डालने के लिए भी बेहतरीन है, सैंडविचेस के लिए बेहतरीन है, बिल्कुल आगे वही बात ना कि रमजान आ रहे हैं तो उसमें आपको बहुत
ज़बरदस्त रहेगा कि आप चिकन बॉईल करें, बनाएं, टाइम लगता है, लेकिन टूना फिश की कैन लेकर आइए। अच्छा, ये मेरे पास वैसे मुझे काफ़ी लग रहा है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा और इसमें से ऐड करूँगी। ये मेरे पास दूसरा भी रखा हुआ है, ये तो मैं दोनों, हाँ सेम हम सिब्लू का लाइट हाँ मीट ट्यूना ले रहे हैं जो कि वेजिटेबल ऑयल में है, और ये बेहतरीन से आप ट्यूना देख सकते हैं जो कि बेस्ट इसको है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना आपको कुक करने की जरूरत है, ना कोई चीज़ ना, ये चलना चाहिए। अब बाकी का हम सैलेड के अंदर यूज कर लेंगे। सैलेड बना सकते हैं, बल्कि आई एम श्योर आगे भी आपको बहुत गाइड करना। अच्छा, इसमें मैं तकरीबन आधा कप से थोड़ी सी ज्यादा मैंने डाल दी क्लासिक मेयो, जो कि है फ्रेश स्वीट का क्लासिक मेयो। खोलना पड़ गया ना, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा पहले मिक्स करूंगी। अच्छा, इसके बाद हम इसमें और क्या कुछ ऐड करें। अब ये देखें कितना बेहतरीन सा ये मिक्सचर जो है ये तैयार है। इसमें हम शामिल करेंगे, यहाँ पर स्पून चाहिए क्रश किया हुआ लहसुन, इसके फ्लेवर को और भी इन्हेंस करने के लिए तकरीबन 1 टीस्पून। ये चला गया पेपरिका पाउडर, इसके अंदर जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून। ये गया। अच्छा, अनियन पाउडर, अनियन पाउडर हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1.5 टीस्पून। अच्छा, तकरीबन 3-4 टीस्पून हम इसमें थाइम और इग्नो या मिक्स हर्ब आप ले लीजिए, ये मेरे पास मिक्स हर्ब है, तो ये हम डालेंगे 1/2 टीस्पून। चले जी, ज़रा क्रश करके डालिएगा, उससे फ्लेवर बड़ा अच्छा सा आता है। ये चला गया। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर ये ऐड करती हूँ, तो ये बन गई बेहतरीन सी हमारी फिलिंग। ठीक है जी, मैं मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह से। बेहतरीन, बहुत लग रहा है, परफेक्ट बन चुका। अच्छा, देखिए आप अच्छी क्वालिटी का कोई भी चीज़ लेते हैं तो वो आप, मैंने काम ये किया कि ब्रेक टाइम में मैंने इसको हल्का सा जी सुप्रीम कुकिंग ऑयल लगा के इसको मैंने हल्का सा सेक कर रख लिया। ठीक है, ये चारों मैंने करके रख लिए। यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल गर्म हो गया है, तो अब क्या करें, क्या करेंगे इसमें फ्राइज, ये वाले नहीं, ये हमने फ्रीजर में रखे हैं। फ्रीजर में रखे हैं, और ये हम लेंगे फ्रेंच फ्राइज, जो कि फ्रेश स्ट्रीट के फ्रेंच फ्राइज ये हैं स्ट्रेट वाले। अच्छा, शू स्ट्रिंग है, वो थोड़ा सा थिक पोटैटो है, लेकिन ये वाले बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार से डिफरेंट वैरायटी अब आपको मिलती रहेगी। आप देखते रहेंगे फ्रेश स्ट्रीट में कि फ्रेंच फ्राइज भी जिस तरह की आपको पसंद है तो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। ये स्ट्रेट वन जो कि हम, मुझे और आपा को तो ये वाली अच्छी लगी, बहुत अच्छे, बहुत ही एक्स्ट्रा क्रिस्पी आपको चाहिए तो ये। और ये हम सर्व करेंगे सैंडविचेस के साथ। देखें, सैंडविचेस हो, उसके बाद फ्राइज हो, तो सैंडविचेस, बर्गर्स और कोई भी रोस्ट हो तो उनके साथ बहुत ही अच्छा लगता है। फ्राइज होना जरूरी है। थोड़ा सा तेज कर लेते हैं और इसको होने देते हैं। सही जी, ये होता रहेगा यहाँ पर, और आ जाते हैं अपने इसकी हम बनाने जा रहे हैं इसकी फिलिंग। फिलिंग तो बन गई, अब हम इसको असेंबल करेंगे। असेंबल करने के लिए हम ले लेते हैं जनाब एक ये बेहतरीन सा। अच्छा, इससे मैं थोड़ा सा इनका थाई चिली सॉस दीजिएगा। वही ये है थाई चिली जी, थाई चिली सॉस थोड़ा सा, अभी मुझे स्पून भी बिटाई दीजिएगा। और ये है फ्रेश स्वीट का थाई चिली सॉस, जो कि बहुत गजब का है, मतलब आप इसको टेस्ट करके देखेंगे तो आपकी कोई भी सैंडविच हो, बर्गर हो, और किसी भी चीज़ को खास बनाने के लिए है ज़बरदस्त थाई चिली सॉस। ये देखिए, बड़ी जान लगा के वैसे खोलना पड़ेगा इसके लिए। ये थोड़ा अच्छा है, जितना एयर टाइट होगा उतनी आपकी सॉस, चीज़, कोई भी चीज़ होगी तो वो उतनी ही फ्रेशनेस उसकी बरकरार रहेगी। इस पे वो सॉस लगाएंगे जो हमने यहाँ पे तैयार करके रखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा लगाएंगे दोनों साइड्स पे। ठीक है, ऑलरेडी ये हमारा जो मिक्सचर तैयार हुआ है बेहतरीन है, इतना लगा रहे हैं कि सैलेड लीव जो है इस पर ज़रा सा चिपका हुआ रहे। ठीक है ना, और इतनी मज़े की सॉस बनाई है तो उसका टेस्ट भी तो आए बिल्कुल। हाँ। और क्या, बिल्कुल सॉस के बगैर तो वैसे मज़ा ही नहीं आता इन चीज़ों में ना। ये मैं आपको एक बना के दिखा देती हूँ कि किस तरह से, मेरा ख्याल है इतनी दफ़ा बना चुके हैं इस तरह की चीज़ें, आई एम श्योर कि आप लोगों को आती नहीं। अब ये जो बहुत ही थिक सा टूना फिश का मिक्सचर है ना, अप टू यू के कितना डालना चाहते हैं, लेकिन ये जो मेरे पास यहाँ पर मौजूद है ये 2 टेबल स्पून काफ़ी होगा। ठीक है जी, और जो कि सिब्लू की ट्यूना फिश, जो कि लाइट ट्यूना फिश हमने ली थी, जो कि वेजिटेबल ऑयल की वैरायटी ऑफ ट्यूना फिश मार्केट में अवेलेबल है सिब्लू की, जो कि आप लेना चाहें तो चिली ऑयल में भी है, इसके साथ साथ ऑलिव ऑयल में भी है, एंड वाटर के साथ भी मिलेगी, ताकि आपका जो दिल करता जैसा दिल करता बोले। ऑल द गुडनेस ऑफ सी जो कि सिब्लू आपको दे रहा है। वाइट फिश फ्ले का इस्तेमाल हमने बहुत बार किया है, अब आपको और मजीद वैरायटी जो कि आपा देती जा रही है, क्यूकम्बर एंड
उसके बाद ये कोकम्बर जो है ये पिकल कोकम्बर है, ठीक है, आप भी यही वाले बनाइए। अच्छा मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, आई एम श्योर कि आपको समझ आ गया होगा। और इसके बाद इसको भी हम थोड़ा सा सॉस को और लगाएंगे। अगेन मैं थोड़ा सा, मैं चाह रही थी कि इसके ऊपर हम यहाँ रख दें ताकि इसका टेस्ट आए ना आपको, अच्छा सा टूना फिश का टेस्ट आपको आता रहे। अच्छा इसके लिए आपा ने तो ये बंस लिए हैं।